प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाएं शुरू कर रही है। इसी उद्देश्य से मंगलवार को ऊना के कृषि विज्ञान केंद्र में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती करने की विधियां और इसके फायदों से अवगत करवाया गया। इस दौरान पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतपाल सिंह रायजादा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जो प्राकृतिक खेती को जो है वो आगे बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि रासायनिक खेती से जो बीमारियां वो लगातार बढ़ रही हैं और प्रदेश सरकार भी जो है प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रदेश में ये काम चल रहा है, अलग अलग जो है किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाना है, और आने वाले दिनों में अगर हम इस और नहीं बढ़े तो जो बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस खेती की ओर ही जाना पड़ेगा। और प्रदेश सरकार और ख़ास करके हमारी अधिकारीगण जो है इसके ऊपर बहुत संदिग्धगी से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये अपने डिपार्टमेंट के ओर से ये प्रयासित है, प्रयास कर रहे हैं, ये सराहनीय है। बाकी ज़्यादा नॉलेज जो है ये हमारे अधिकारीगण है वो आपको जरूर देंगे, आप इनका भी जरूर इंटरव्यू लीजिए। गौरतलब है कि रासायनिक खेती के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को प्राकृतिक खेती में आधुनिक तकनीकी से लैस करके उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।